सदनों भगवान कृष्ण इस धरती पर 16 कला अवतार होया और गुरु जांबो जी महाराज भी प्रमाण देवे है के परवाड़ा अनेक कृष्ण देव किया घना और भगवान कृष्ण का अवतार भी जांबो जी महाराज थे। इस दुनिया में भगवान कृष्ण का जो मार्ग था उसको आगे प्रशस्त करने का काम गुरु जांबो जी महाराज ने किया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ उस समय इस धरती पर 3 विभूति संसार में आई। पूर्व देश में एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसकी जन्मते वक्त 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। नाम था शिशुपाल, जो 99 राजा का राजा था। लेकिन सजनों उन्होंने दुष्ट और धूर्तता का मार्ग अपना लिया, एम और अंकार में चूर हो गया और भगवान कृष्ण को वो चैलेंज करने लगा। उसी समय दक्षिणी भारत के अंदर एक ऐसे राज घराने का प्रादुर्भाव हुआ जिसका मुख्य राजा राजा भीम था। उस भीम के घर में एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ जो भगवान कृष्ण की अर्धांगनी आगे चलकर बनी। वो अवतार तो लक्ष्मी का था लेकिन समय और हालात और परिस्थितियों को देखते हुए उसी लक्ष्मी ने रुक्मिणी का रूप धारण कर लिया। सजनों, जिस समय द्वापर युग में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी पृथ्वी रो कागज करो और कलम करूं बनराय सरवर री शाही करूं तो हरि गुण लिखो न जाय सरवर री शाही करूं तो भाइयो हरि गुण लिखो नहीं जाय रुखमणि मंगल और हुए पवित्र गाम कायारा कलम सजड़े तो हो सुची सब धाम और बे जगमाला राम जी खेमा राम जी गोदारा चिमड़ावास 100 रुपए बोलिए विष्णु भगवान की। नर नारी मंगल सुने हरि चरणा चित लगाय कह तो अमरापुर बसे तो कह बैकुंठे जाय ब्यावलो भागीरथी ब्यावलो भागीरथी श्रीमद भगवत पुराण बोले रानी रुक्मिणी ते सुन जो भक्त सुजान मत सुन कहूं तो ली जो श्याम सुदार भूल चूक माफी करो तो रानी रुक्मिणी रा भरतार रुक्मिणी रा पंडित बेग बुलाया राजा ने जन्मिए रुक्मण माई
सिद्ध जोग है वो स्वाति नक्षत्र जाई। सजनों, दुनिया में पांच नक्षत्र ऐड़ा हुए हैं। बार नक्षत्र में अगर कोई बच्चे को जन्म दिए तो भी इनका प्रभाव बहुत खतरनाक है। सजनों, जामोजी महाराज ने एक ऐड़ो एंटीबायो इंजेक्शन लगायो है तो भी मैं पांच प्रकार का नक्षत्र पहले ही खत्म हो जाए बंग अशरी को जो हम ओ एक आमने के में आयो नहीं कोरोना ठीक हो जो एग्जाम में जो कोरोना ठीक हो लगायो है। अच्छा, मैं एक इंजेक्शन बड़ा आयो है। हमें टाबर कई गए नहीं गया, हमें रोटी थी मैंने मुंह हलावना पड़ेगा ना डॉक्टर एक इंजेक्शन इजाज वो आज ही मैं दो महीने हमें सब दूजी की थी कोई एडो दूजो कोई टाणो है नहीं भी तुम भोजन बनाओन की रे थालियां रे बेड़ा करने कोई जरूरत को नहीं। एक डॉक्टर बुला ले तो एक तो गांव देख हुई लगाई दे एक जाव देख दाब दे तो लोर उड़ हो तो रहे जन गरल जन जीम रहे हो क्योंकि अभी भोजन की पूरी पूर्ति जब मैं टाप रहा हूँ अल्लाह उन्हें तकलीफ हुआ दिन हम कूर करें बताओ तो कहीं कहीं तो इलाज करे वो करें आ तो थे टू प्रता ही वास्ते सजनो जन्मे तो जिए नहीं उजिए उजड़ थाए नारी पैरे चूड़ लो आभूषण सहित जाए खाट पड़े उठे नहीं कुए नीर नहीं थाए। सजनो, ऐसे नक्षत्र उसमें अगर कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो पहली बात तो वो जीता नहीं खत्म हो जाता है और जी जाता किसी कारण से तो परिवार को उजाड़ देता है। अगर वहां नक्षत्र में ब्याह हुए तो दाल फलका धकता होगी जन्मे तो जिए नहीं जिए उजड़ थाए नारी पैरे चूड़ लो आभूषण सहित जाए। अच्छा, वहां नक्षत्र में बीमार पड़ जाए तो धरती में तो फुट पग को मांडे आ नक्षत्र में कुओं खोदे जल नहीं निकले आ नक्षत्र में परदेश चलो जावे तो वापस घर लौट के नहीं आए। तो जांबे जी महाराज को एक इंजेक्शन लगा दी। बिश्नोई समाज के लिए नक्षत्र कोई काम नहीं करता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरु महाराज की इस समाज पर कृपा है। इस धरती पर एक बिश्नोई समाज है जो अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान बिना पंचांग देखे कर सकता है सिवाय बिश्नोई के। अगर कोई जाति अपने घर में ब्याह संपन्न नहीं करती बिना पंचांग देखे राजकाल है कई गए गए जामे जी परचो कम पड़ गया। हम बोलो कम से पानी आमने हिरका भैया है लारे। अच्छा, पहली क्या करता माता होंगी नहीं मुड़ दो आ जाओ झड़ जाओ बस दो को अब मैं गवर्नमेंट इलाज कर दिया हल्ला हो गया क्योंकि ठीक लाग जड़े कौन जड़े कौन बाकी आ संतुलन बनाने वास्ते भगवान ही अवधि रोग अनेक जारो विद की दो जतन। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जिसका कोई इलाज नहीं है लेकिन सजनो वर्तमान समय में इलाज करने पहली मरीज डॉक्टर के हम इजार खड़ो हूं नहीं ना डॉक्टर भी को चेहरो देख बता दे गएंगे ऐसी बीमारी है। अब मैं जार डॉक्टर ने बताओ पड़े मरीज ने के मेरे आप बीमारी है जिंदा भी डॉक्टर ने ठा पड़े हम डॉक्टर तो कंप्यूटर ही जो जेड़ो खटको दबाए बड़ो फंक्शन आई
हम जाड़ एक जगह एक डॉक्टर कन गयो जो जाड़ तो ऊन लिदू गए ऊन लिकाट दे ना बन गयो साहब मेरी जाड़ ऊन लिदू कह गए अदर उड़ हुतरे ऊन याऊ हो गए ना हगड़ी थोक बंदी का दी है तो सजना राजा भीम के घरे ही लड़की को जन्म हो तो भाई पूछोगे महाराजा बात है ई वास्ते इंगो थे अनुष्ठान कराओ घर में यज्ञ करो यज्ञ से वायुमंडल पवित्र हो जाता है सजनो एक तोड़ो घी होमे नी जिदा ग्वाड़ी के 100 मीटर के एरिया के माए जितने भी वायुमंडल के अंदर जितने भी जन्म्स होते हैं वो गाय के घी के माए बात ताकत में वो वायु बिल्कुल भी ने नष्ट कर दे और वायु शुद्ध हो जाती है। इन वास्ते जंबे जी महाराज यज्ञ का उपदेश दिया है और इस सजनों इस संसार में अगर जिंदा रहना है निरोग रहना है तो यज्ञ करना होगा। गाय रखनी होगी ये आने वाले समय की मांग है और आपने जंबे जी महाराज जन्म से अधिकार दियो। आज सजनों 90% आदमी शुगर से शुगर का पेशेंट है, 90% आदमी बीपी का पेशेंट है, 90% आदमी पेट से एब्सेंट है। क्यों है? क्योंकि लाइफ स्टाइल है जो बदल गई। जांबे जी महाराज एक ही काम बतायो जको आदमी 4 बजे बिस्तर छोड़ देता है सजनों भी आदमी ने 5 प्रकार की बीमारी जिंदगी में नहीं हो सके। 4 बजे अच्छा 4 बजे नहीं तो 5-6 अच्छा 6 नहीं तो सूर्य किरण निकलने से पहले जको आदमी बिस्तर छोड़ दे भी आदमी ने 5 प्रकार की बीमारी को मिली। आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। गोली खावनी मंजूर है पर 11 बजे पहले नहीं उठनो। बोलो इससे सस्ता इस धरती में तो कोई इलाज नहीं है सजनो। जो 5 सूर्य किरण निकलने से पहले जो अपनी नींद त्याग देता है भी आदमी के शुगर बीपी दोनों को बे अच्छा भी आदमी को पेट अपसेंट का में 90% आदमी जर्दो खा रिया है। एक जगह मैं पूछो मेरे भाई होते जर्दो क्यों खो गए पंडित जी कह करा कब्जी घनी रहे। अच्छा मैं गयो रे भाई आप भे 5 किला में फोटो करे आके जर्दो ले सजनो। जांबे जी मन एक के बात बताओ ई मिनक के काल मिनक के सिवाय कोई जीव के कब्जी रहत बता दे किसी जीव गाय भैंस ऊंट बकरी घोड़ा गधा पशु पक्षी एक मिनक ही क्यों है जगह कब्जी रहे इनको कारण है। जांबे जी महाराज शब्द वाणी में बतायो है खाए मा खाज खाजू जो ए खाद्य है मनुष्य के लिए बना ही नहीं है अरबो खा रही है तो सजनो जीवनो बिंग हर है पर लारली बात बिंग हर को अब मैं हगला रसगुल्ला जी में अरबो 11 इंच 5 रूबो तो यूं बलो है। जांबे जी महाराज गयो आप थोड़ा ट्राई करिए आप सूर्य किरण निकलने से पहले जगने का पंगत लीजिए और शरीर ने अगर निरोग बनना चाहो तो किडनी बेकार होने से बचाना चाहते हो ट्रांसफर होने से बचाना चाहते हो तो सूर्य किरण निकलने से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ा तो किडनी ट्रांसफर करनी होगी। इन वास्ते जांबे जी महाराज का नेम धारण कर लो भाइयों और ये आपको कोई ज्यादा क्लिष्ट नहीं है कोई गणित को फॉर्मूलो कौन जो हम को आवे नहीं एडो कोई वैज्ञानिक सिद्धांत कौन जो को बिंग में एक्स्ट्रा कोई चीज खर्च करनी पड़े सिर्फ भगवान जांबे जी बात ने धारण करनो और समय की जीवन स्टाइल को बदल दीजिए।
आई वास्ते भाइयो ओ जागण को हगलाउन बड़ो महत्व है। सजनो जागण ही वाली खाल कूटन को नाम जागण को रोड के टंट गरी कूट सको। जागण बा है कि आमने लाइफ स्टाइल में कहीं बदलाव है, कोई शब्द आप एक धारण कर ला आमने जीवन को कल्याण उजे। अर नीना भाई दोरे मत दोरो गाओ अर बलंगी ने कूटो एक शब्द शब्द मारा मर गया शब्द छोड़ो राज के जगत के शब्द विचारिया तो नो सरियो काज। एक शब्द से इंसान अपने मार्ग को बदल देता है, अपने जीवन के रहस्य को बदल देता है। अगर इंसान कुछ चाह कोशिश तो करना पड़ेगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय साकार नहीं होती। नैनी सी चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दो दीवार पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगो में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलता सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। इसलिए